दाहन होने की हैसियत से इस बेटी को किरण सुनील को सीनियर मुबशरा होने की हैसियत से मसा कसा। और ये बेटी अपने पासवान की चर्च और जामिया की और इस कलीसिया की हमेशा वफादार रहे और आज की खिदमत को बड़ी रूह और सच्चाई से जारी रख सके, यीशु के नाम में आमीन। जो के चुनी है उनके पुरस्कार है खुदावंत का आहन होने की हैसियत से और मिसेज और जीसस क्राइस्ट का बॉर्डर चेयरमैन होने की हैसियत से इस बच्ची को उस राजा को सीनियर मुबशरा के ओहदा पर मुकर्रर करता है। आप बेटे अरुण किस के नाम से खुदावन का खादम होने की एल्डर शहजाद साहब को एज ए सीनियर एल्डर होने के लिए मखसूस करता जी। नाजी मैं आज बोरवली खाई में मौजूद हूँ रंगमहल के अंदर और ये बड़ा कदीम इलाका है और यहाँ पर जब मैं पहुँचा तो यहाँ पर क्रिसमस के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, बच्चों ने टैबलो पेश किए और साथ साथ कुछ लोगों की मखसूसियत भी हुई जिसमें दो भाई हैं और 8-6 बहनें हैं जिसमें यहाँ के जो मुकामी पास्टर हैं जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री की जानिब से यहाँ पर चर्च को मखसूस किया गया बोर्ड वाली खाई में। और ये बड़ा कदीम इलाका है और जब लोग सुनते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो पुराने लोग थे और वो थे वाल्मीकि, लेकिन खुदावन के फजल से यहाँ पर खुदा ने मौजा दिखाया और लोग यहाँ पर कन्वर्ट हुए और अपने चर्चिस में और अपनी जो जगह है परिसूसी के हवाले से मखसूस की जाती है वहाँ पर जाके इबादतें बननी शुरू होगी। और यही भी यहाँ पर भी बोर्ड वाले खाई में भी इस तरह चर्च को मखसूस किया गया और बनाया गया। तो मेरे साथ मुकामी पास्टर मौजूद हैं जी। पास्टर ये बताइएगा कि इस वक्त जो क्रिसमस के हवाले जो आपने प्रोग्राम किया है इसमें कहाँ तक आपने लोगों को मखसूस किया है? मसीह में आप सब सुनने वालों की सलामती हो। मेरा तलक मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट से है। मैं प्रिंसिपल पास्टर खलील गिल। मैं खुदावन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावन ने इस साल भी हमें ये मौका दिया कि हम 12 खुदा के खादम जो हैं वो खुदावन ने तैयार किए हैं जिनमें दो भाई हैं, दो तीन भाई हैं, बाकी बहनें हैं और ये कुछ एल्डर के ओहदा पर ये भाई विलियम मेरे पास ही हैं। एल्डर के ओहदा पर खुदावन ने जो है वो खिदमत दी है तो इस बात के लिए हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं। ये क्रिसमस का मौका है और क्रिसमस जो है ये सिर्फ एक कौम के लिए नहीं है बल्कि इस क्रिसमस में हम हकीकत को जानते हैं कि ये वाहद सालगिरह है जिसमें आसमान के फरिश्ते और जमीन के चौपाए परिंदे चरिंदे इंसान चरवाहे ऊंट और आसमान का सितारा जो है वो भी इस खुशी में शामिल हुआ। बिशारत दी गई कि दुनिया का मुनजी जो है वो पैदा हुआ है और आज हम जो क्रिसमस मना रहे हैं ये हम देख रहे हैं कि इस क्रिसमस में कि हम सिर्फ अपने चर्चिस में अपने घरों में अपने महलों में चरनियां सजाते हैं लेकिन जो चरनी खुदावंद ने सजाई है वो जानवरों का एक कुरली है जिसमें वो चरनी जो है वो सजाई गई है और वहां पर खुदा का नूर जो है वो चमका है। और ना सिर्फ लिखा है कि आसमान का सितारा जो है वो उस जगह पर आके ठहर गया जो रनमई कर रहा था मजूसियों की। तो मेरे अजीजों मजूसी जो पूर्व के मजूसी थे वो उस सितारे की रानमाई में आई और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो सितारा जो आसमान पर चमका वो एक ही बार चमका है, उसके बाद वो सितारा नजर नहीं आया। और उस सितारे का नाम जो बाइबल में तो मौजूद नहीं है लेकिन हम डिक्शनरियों में
हम खुदा के कलाम के वसीला से उस सितारे का नाम जो है वो नुमा है, जो एक ही बार चमका है, और उस सितारे की रहनुमाई में मजूसी जो है वो वहां पर पहुंचे हैं, और आसमान का लश्कर जो है वो जमीन पर आया। और जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो अंधेरा के मौत के साया की वादी में रहते थे उन पर बड़ा नूर चमका। तो खुदा ने अपना नूर चमकाया, अपने फरिश्तों की ग्रोह भेजी, और खुदावन यीशु मसीह की बशारत जो है उन फरिश्तों ने आकर दी, और उनकी हमद करते हुए वो फरिश्ते आए। पैगाम था कि आसमान पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राशि है सुलह। तो मेरे अजीजो, सुलह का बानी जो है, सुलह का पैगंबर जो है, सुलह का शहजादा जो है, जिसका नाम यीशु अलमसीह है, वो दुनिया में आया। और क्रिसमस एक ऐसी सालगिरह है जो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा इसको इज्जत दी जाती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आप बैरून मुल्क में भी देखें तो क्रिसमस जो है ये सबसे हटकर मनाया जाता है। और ये वाकई सुलह का दिन है, सुलह का पैगाम है, जिसमें हर एक रूठे हुए जो है वो अपने प्यारों को याद करते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं को जो याद नहीं करते, जो अपने दिलों को सख्त रखते हैं, इसका मतलब है कि खुदा का नूर उन पर अभी तक नहीं चमका। तो वो भी अपने आप को तब्दील करें और खुदा के इस पैगाम को अपनी जिंदगी में याद रखें। सो मैं खुदावन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हम अपने चर्च में खाई बोर्ड वाली में हम खुदा के कलाम को सब लोगों के सामने बच्चे जो हैं वो टैबलों के वसीला से, गीतों के वसीला से, तकरीर के वसीला से, बाइबल की आयात के वसीला से खुदा ने जैसा जैसा उन्हें बरकत दी है, तैयार किया है, वो सब अपनी अपनी बदनी परफॉर्मेंस जो है, खिदमत जो है वो अंजाम दे रहे हैं। और हम इस बात के लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज ही भाई विलियम जो एल्डर विलियम के तौर पर एल्डर विलियम लेखराज ये आज से एल्डर मुकरर हुए हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह इनको बरकत दे, और मैं चाहूंगा कि एल्डर साहब खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद यीशु आपको बरकत दे, आप मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट के लिए और अपनी खिदमत के लिए कुछ कहना चाहेंगे। जी एल्डर साहब, ये बताइएगा कि आपने खुदा की तरफ से और भाई साहब ने आपको मखसूस कर दिया और आप यहाँ पर खिदमत भी सर अंजाम देंगे, तो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को हमारे चैनल के हवाले से कुछ पैगाम दें। मिनिस्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट की तरफ से मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मैं बदी की राहों पर चलता था, इनके सीधा से आज मैं इस राहों पर चल रहा हूँ। खुदा उनका बड़ा शुक्र है कि मैं इस काबिल नहीं था जिस काबिल में आज पहुँच चुका हूँ। शायद आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो बड़ा खुश होती। भाई साहब, आपने बड़ा अच्छा पैगाम दिया क्रिसमस के हवाले से, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने यहाँ पर इस इलाके में आकर खिदमत शुरू की और बहुत सी जानों को बचाया। खुदावंद को बहुत सारा ब्लेस करें, और हमारे क्रिश्चियन न्यूज 24/7 के हवाले से क्रिसमस में कोई पैगाम दें हमारी कम्युनिटी। क्रिसमस असल में खुशियों का दिन है, एक दूसरे को, जिस तरह से हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह का जमीन पर आना जो है ये अजीब है। हम बाइबल मुकद्दस को देखें तो यसाया ने 800 साल पहले इस बात की पेशन गोई की है कि वो अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा, उसके सारे काम जो हैं वो अजीब हैं। उसका खुरली में पैदा होना, खुरली को चरनी बना देना, उस खुरली में फरिश्तों का आना, उस चरनी में मजूसियों का आना, सोना, मुर और लुबान को जाहिर करना, लेके आना बड़े बड़े गिफ्ट, बड़े बड़े तोहफे जो दिए गए क्रिसमस के तौर पर, एक सालगिरह के तौर पर वो खुदा में यीशु मसीह को देखने के लिए आए। हमें भी जरूर है कि अपने गरीब बहन भाइयों को जो हमसे छोटे हैं उन्हें भी हम इस खुशियों में शामिल करें,
उनको तोहफे तहाइफ दे जो क्रिसमस नहीं मना सकते, उन्हें अपनी इन खुशियों में, क्रिसमस की खुशियों में शामिल करें, उनकी मदद करें ताकि वो भी आपके साथ खुदा में यीशु मसीह की इस सालगिरह को मना सके। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया। और नाजरीन जिस तरह एल्डर विलियम साहब जो है वो महसूस हुए हैं बोर्ड वाली खाई चर्च के अंदर, और बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह के इलाकों के अंदर अगर खुदा की खिदमत करने के लिए नौजवान लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग इस तरह ही अगर बुराइयों को छोड़कर खुदा की खिदमत में आते हैं तो हमारी मसीह कौम का नाम रोशन होता है।